जब नहीं आई दीदी हाँ। हमने कहा कहाँ से आया, तो कह रहे हैं हमारे मम्मी पापा मतलब अपोलो में एडमिट हैं हाँ। अभी आएंगे रूम दे दीजिए। और यहाँ पर सिर्फ अब मतलब मरीजों के परिजनों को ही रूम मिलते हैं अच्छा। इसलिए हमने रूम दे दिया और इस वाले रूम में गए थे अच्छा। ठीक है, बोले कि अभी आ रहे हैं परिजन हमारे। कैमरा यहाँ पे तो कहाँ लगा हुआ? सामने कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरे, दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अपने आप से मतलब कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं, आराम से उतरे हैं, आराम से साथ में गए हैं। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता के परिजनों ने जो FIR दर्ज कराई है उसके मुताबिक लड़की कक्षा 5 की छात्रा है और वो स्कूल से जब वापस आ रही थी तो रास्ते में दानिश और आमिर नामक दो शख्स मिले जिन्होंने लड़की का बैग छीना और अपनी गाड़ी में डाल लिया। जब लड़की ने वापस बैग मांगा तो लड़की को भी गाड़ी में घसीट लिया और घसीट कर उसे अगवा करने के बाद यहां पर ये जो लोकबंध हॉस्पिटल के बगल में पैराडाइज शांति इन होटल है वहां पर लेकर आए और यहां पर नीचे जाकर उनके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बारी बारी से दोनों ने रेप किया और वीडियो भी बनाया, साथ ही इंटरनेट पर उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी और वापस छात्रा को उसकी बताई जगह पर छोड़ दिया। तो ये आरोप पिता ने लगाया है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम लोग उसी होटल पर मौजूद हैं जहाँ की ये घटना घटी है। अनामिका जी साफ है, अनामिका जी क्या हुआ था, कितने बजे ये लोग आए थे? ये 2 से 2:30 के बीच में आए। अच्छा, कौन कौन लोग थे? दानिश ने अपनी आईडी दी हाँ। हमने कहा कहाँ से आया, तो कह रहे हैं हमारे मम्मी पापा मतलब अपोलो में एडमिट हैं हाँ। अभी आएंगे रूम दे दीजिए। और यहाँ पर सिर्फ अब मतलब मरीजों के परिजनों को ही रूम मिलते हैं अच्छा। इसलिए हमने रूम दे दिया। फिर मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह तो नहीं दिखाया था उन्होंने हॉस्पिटल का? वो कुछ नहीं दिखाते, अपनी आईडी दानिश ने लगाई थी। ठीक है, उस वक्त दानिश के साथ कौन कितने कौन कौन थे? दो लोग और थी, एक लड़की एक लड़का अच्छा। हाँ। तो वो लड़की थी वो शोर मचा रही थी कि भी नहीं है सर जी, हमारे सीसीटीवी फोटोज देख लीजिए, अगर कुछ होता या हम भी तो वहीं पे बैठे थे, उसी के पीछे रूम था कुछ हमसे। कहीं बता सकती हैं कहाँ पे आप थी और कौन से रूम में वो रुके थे? देखिए ये शांति पैराडाइज शांति इन होटल है, पैराडाइज शांति इन होटल है, जहां पर 2 से 2:30 बजे के बीच जो यहाँ पे स्टाफ है उन्होंने बताया कि दानिश और आमीन उस लड़की के साथ नाबालिग बच्ची के साथ पहुंचे थे। और देखिए यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर लगे हुए हैं, देखिए पूरा लॉज बना हुआ है। तो यहां पर आप थे? यहां पे लंच कर रहे थे अच्छा। और इस वाले रूम में गए थे अच्छा। ठीक है, बोले कि अभी आ रहे हैं परिजन हमारे। तो कैमरा यहां पे तो कहां लगा हुआ? सामने कैमरा लगा था। सीसीटीवी कैमरे, दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अपने आप से मतलब कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं अच्छा। आराम से उतरे हैं, आराम से साथ में गए हैं। ठीक है, आपको लगा कि ऐसा तो नहीं लड़की डरी हुई है, उसे दबाव में लिया हुआ है या फिर? तो कुछ बता सकती थी कि कोई इशारा ही करती कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं इनके साथ या जबरदस्ती लाए हैं अच्छा। या फिर यहाँ पे शोर करती तो यहाँ पे हमको सुनाता ही। पूछा कि लड़की क्यों साथ है? वो कह रहे हैं जानने वाली है, भाई बहन जैसे ऐसे। अच्छा, उन्होंने बोला। कितनी देर यहाँ पे रुके? यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे। 1.5 घंटे रुके हाँ। तब कोई अंदर से ऐसा लगा हो कि डराने धमकाने की आवाज आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, दरवाजा भी खुला था अच्छा। एक बार खुला, फिर मतलब वे बोले, हम बोले कि आप हो कौन मतलब, तो कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं मम्मी पापा अपोलो में अच्छा। हमको रूम चाहिए, तो हमने दे दिया सर जी अपोलो के। अभी भी मरीज भी है यहाँ पे, अभी भी देख सकते हो। दस्तावेज जो आधार कार्ड जमा कराया था वो आपके पास होगा? वो सर जी हम उसमें लिखे थे, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वो शाम को पुलिस वाले जो आए थे सर जी लोग सब लेके चले गए। सीसीटीवी देख सकते हैं कि? सीसीटीवी वो पूरा उखाड़ के ले गए पुलिस वाले, ले हाँ सब ले गए। आपके पास अब रिकॉर्ड तो कुछ नहीं है? अब तो कुछ नहीं है अच्छा। क्योंकि वो ले गए सब रात में ही, रात में ले गए हाँ। और जब ये वापस गए थे दानिश अमीन उस बच्ची को लेकर, तब बच्ची को आपने जाते हुए देखा? तब कोई परेशान कुछ भी नहीं, आराम से गई है, साथ में निकली, सीसीटीवी फोटो देखे जाए सब कुछ उसमें नजर आ जाएगा अच्छा। जाते हुए हाँ, 2 से 2:30 के बीच आए और कितने बजे लगभग गए? लगभग 1.5 घंटा, बहुत ज्यादा रुके 1.5 घंटा हाँ। फिर हमसे ये भी हम कहे जा रहे तो कहना अभी आ रहे हैं अच्छा। मतलब ताला वाला कुछ नहीं बंद किए हाँ। खुला ही छोड़ के चले गए हाँ। कह रहे हैं अभी हमारे परिजन आ रहे हैं अच्छा हाँ। उसके बाद फिर शाम को लौटे नहीं? कोई नहीं लौटा सर जी, शाम को आए तो अपनी मम्मी। कुछ शक हुआ आपको? अब शक सर जी हम क्या बताएं, हमको तो कुछ नहीं डाउट था ऐसा, लेकिन हम सोचे नहीं आए। पहले कभी दानिश और आमीन आते रहे? नहीं सर जी, पहले कभी नहीं है। तो देखिए जो होटल में काम करने वाली अनामिका है उन्होंने बताया कि दानिश अमीन आए थे, लड़की भी उनके साथ थी, लड़की को लेकर वो उस कमरे में रुके और उसके बाद 2 घंटे बाद जी अच्छा। ये पेशेंट, ये आप लोग भी कल थे क्या यहाँ पे? नहीं,
आप लोग नहीं थे क्या है? आप लोग कल थे क्या यहाँ पे? हम हॉस्पिटल गए थे और यहाँ पर दो से ढाई के बीच आना और फिर उसके बाद वापस जाना, सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने ले ली है, उसे चेक किया जा रहा है। उसके अलावा पीड़िता के परिजनों से जो जानकारी है वो ली गई है। साथ ही दानिश और अमीन में से एक को हिरासत में पुलिस ने लिया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, मुकदमा दर्ज हो गया है और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है क्योंकि मामला संगीन है, गैंगरेप का मामला है। पीड़िता दलित तबके से आती है, पिता ने एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है, तो ऐसे में पुलिस गंभीरता से इस मामले में अपनी विवेचना कर रही है। एफआईआर के मुताबिक ये घटना 23 सितंबर की है। शाम करीब 4:30 बजे बच्चे के पिता घर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें 14 साल की अपनी बेटी दिखी। वो बदहवास हालत में रोती हुई घर की तरफ जा रही थी। जब पिता ने बच्चे से उसके रोने की वजह पूछी तो उसने घटना के बारे में बताया। बच्चे ने कहा कि करीब 1 बजे जब वो स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में दानिश और आमीन ने उसे रोककर उसका स्कूल बैग छीन लिया और उसे कार में फेंक दिया। बच्ची ने जब अपना बैग वापस मांगा तो उन लोगों ने बच्ची को भी कार में खींच लिया। वे लोग कार लेकर शांति पैराडाइज इन होटल पहुंचे। पहले दानिश कार से उतरकर बच्ची का बैग अपने साथ ले गया, फिर आमीन बच्ची को बैग दिलाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ होटल के कमरे में ले गया। यहां दोनों ने बच्ची के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। दोनों एक एक कर बच्ची का मुंह बंद करते और फिर उसके साथ दुष्कर्म करते। दोनों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। बच्ची चिल्लाती रही, रोती रही। दानिश और आमीन ने उसे वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी, यहां तक कि बच्ची और उसके परिवार वालों को जान से मारने की भी धमकी दी। बाद में दानिश और आमीन बच्ची को घर के पास छोड़कर भाग गए। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।